ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम एक्सरसाइज 6.1 को चालू करेंगे। आपने अब तक जो भी वीडियो देखे, पांच वीडियो देखे, उसके बेस पे से आपको कुछ अपना रिवाइज करना है एंड देन ये वीडियो आपको मेरे साथ ट्राई करना है। मैं हर सम आपको सॉल्व करता हूँ, लेकिन इट वुड बी बेटर कि आप भी पहले ये सॉल्व करें और उसके बाद ये वीडियो देखें। ओके, सो आई वुड रिकमेंड कि आप आगे के पाँच वीडियो देखें, देन ये एक्सरसाइज खुद ट्राई करें एंड उसके बाद ही ये वीडियो पूरा आगे आप देखें। ओके, या एक क्वेश्चन पूरा करिए और देन ये क्वेश्चन ये वीडियो में उतना आप देख लीजिए और चेक कर लीजिए, देन डू द सेकंड क्वेश्चन एंड देन चेक इट अप। लेकिन पूरा ये वीडियो देखने के बाद मत करना। माय रिकमेंडेशन वुड बी फर्स्ट डू इट। तो देखो, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो देखो, ये 81 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा वो मांगा है। तो देखो, ये लास्ट नंबर 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है ना, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 होने वाला है। सेम देखो, 2 है ना लास्ट नंबर, 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट वुड बी 4। 9 है ना, 9 का स्क्वायर 81 हुआ, इसलिए यूनिट डिजिट विल बी 1। 3 है लास्ट ना, तो 3 का स्क्वायर 9 होने वाला है, यानी यूनिट डिजिट विल बी 9। 4, तो 4 का 16 होता है, यानी यूनिट डिजिट इज 6। 7 इज 49, राइट, 7 स्क्वायर 49, तो यूनिट डिजिट 9। 8 का स्क्वायर 64, इसलिए यूनिट डिजिट 4। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा ना, डबल 0 आएगा, तो यूनिट डिजिट विल बी 0। 6 का 36, इसलिए यूनिट डिजिट 6 एंड 5 का 25, इसलिए यूनिट डिजिट 5। ओके, तो ये हमारा यूनिट डिजिट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, गिव द रीजन। चलो लेट्स से 1057, तो सिंपल यूनिट डिजिट इज 7। 7 कैनॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, हमने देखा ना, देखो 1, 4, 5, 6, 9, यही नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हो सकते ना। 2, 3 और कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, 2, 3, 7 एंड 8 ना, ये चार नंबर दैट विल नॉट कम इन परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट डिजिट में ये चार नहीं हो सकते। सेम वे 5 हो तो उसके आगे 2 होना ही चाहिए एंड 0 हो तो वो डबल पेयर में होना चाहिए, राइट, पेयर में इवन नंबर होना चाहिए। ओके, ये हमें याद रखने का है। सो ये 7, बिकॉज यूनिट डिजिट इज 7, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सेम थिंग, यूनिट डिजिट इज 3, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट डिजिट इज 8, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट डिजिट इज 2, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नाउ यहाँ पे 0 तो परफेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 0 है, यू सी ना, या 3 0s वो ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दिस शुड बी 4 0s या 2 0s, इवन नंबर होना चाहिए। अगेन सी, यूनिट डिजिट 2, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 3 0s इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड 1 0 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, होना चाहिए तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मांगा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अभी ये मांगा है, इसमें से कौन से नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होना चाहिए। तो वी नो कि ऑड नंबर का स्क्वायर ही ऑड नंबर होगा एंड इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। बहुत अच्छी, 1 का स्क्वायर 1, 2 ऑड इवन नंबर है उसका स्क्वायर 4, 3 ऑड नंबर है उसका स्क्वायर 9, देखो ऑड आ गया, 4 इवन उसका स्क्वायर 16, इवन आ गया, 5 ऑड उसका स्क्वायर 25, वो भी ऑड है, 6 इवन उसका स्क्वायर 36, वो भी इवन है, 7 ऑड उसका स्क्वायर 49, दैट इज ऑड, 8 इवन उसका स्क्वायर 64, दैट इज इवन, 9 ऑड उसका स्क्वायर 81 ऑड, 10 इवन उसका स्क्वायर 100, दैट इज इवन, राइट। सो 431 देखो ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी ऑड आने वाला है। ये 6 है, इवन नंबर है, तो उसका स्क्वायर इवन आएगा। ऑड नंबर है ये 9 है, तो उसका स्क्वायर भी ऑड आएगा एंड इवन नंबर है 4, तो उसका स्क्वायर भी इवन आने वाला है। ओके, नाउ लुक एट दिस पैटर्न। ये पैटर्न देख के हमें ये ब्लैंक फिल करना है। देखो 11 का स्क्वायर 121, देखो ये यहाँ पे कोई गैप नहीं है। अब 101 का स्क्वायर में देखो क्या हुआ, 10201, यानी 0 कितना है यहाँ पे, 1 0 है ना, तो यहाँ पे देखो 2 से पहले 1 0 और 2 के बाद 1 0 रखा। अब 1001 देखो 2 0 है ना यहाँ पे, तो देखो 1002 यानी यहाँ पे 2 0, 001 यहाँ पे भी 2 0। बेस्ड ऑन दिस अभी ये पैटर्न फिनिश करना है। तो देखो 1 2 3 4 0 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 के बाद 1 2 3 4 0 एंड 2 के बाद भी 1 2 3 4 0 आंसर आ गया।
अब ये देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 राइट, 6 जीरो है ना, तो 1 1 2 3 4 5 6 0 बाद में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, वापिस हम 6 0 1 2 3 4 5 6 0 एंड बाद में 1, आंसर आ गया हमारा। ओके नाउ लुक एट दिस पैटर्न, 11 स्क्वायर 121 101 स्क्वायर 10201 जो आगे हमने किया था, देखो राइट, अब 10101 स्क्वायर, तो देखो जब तीन बार बनाए ना, तो देखो 10203 देन 0201 राइट, तो अभी देखो यहाँ पे कितने दबा रहे, 10 10 10 10 101 यानी चार बार बनाए ना, तो हम क्या करेंगे 10204 यहाँ पे एक और बनाया ना, अब आप अब क्या करेंगे 03 02 01 राइट, सेम थिंग देखो यहाँ पे अभी 10203 04 05 तक आया ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे वही करेंगे 101 01 01 एंड 01, पांच बार वन लिया ना हमने, तो ये आंसर आ गया। ओके सी इट्स इजी समझे राइट, ये सिर्फ पैटर्न समझना है। ओके नाउ सी यूजिंग द गिवन पैटर्न, ओके सी इंटरेस्टिंग पैटर्न है यहाँ पे, सी दिस टाइप ऑफ थिंग क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस जो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग के सम होते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी के सम होते हैं, ये एट ग्रेजुएशन के बाद, 12 के बाद जो आप एट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, मेनली ग्रेजुएशन के बाद जो आप आईएएम के लिए कैट देते हैं या कोई ऐसे बड़े एग्जाम देते हैं, तब ये ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको घबराने का नहीं, ऑलवेज लॉजिकली ये पैटर्न देखने का। यू सी यहाँ पे देखो ये दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, अभी पैटर्न कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये एक फर्स्ट दिया है, ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीन पैटर्न से हमें आइडिया मिलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 13 स्क्वायर। अब मुझे ये तीन से पता चला है, देखो यू कैन सी वन थिंग, 1 इंटू 2 इज 2 2 3 इज 6 हो रहा है, देखो 3 4 इज 12 हो रहा है, 4 5 इज 20 हो रहा है, 5 6 इज 30 होना चाहिए, 6 7 इज 42 होना चाहिए ना, इसी यू सी ना, ये रो का मल्टीप्लिकेशन से थर्ड नंबर मिल रहा है, एंड नेक्स्ट जो नंबर है देखो इसके बाद क्या है, 2 के बाद 3 6 के बाद 7 12 के बाद 13 ना, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 5 इज 20, तो ये होना चाहिए यहाँ पे 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 30 है मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 5 6 इज 31 ना, तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर बिकम्स 31 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 6 7 इज 42, तो ये 42 स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पे क्या आने वाला है उसके बाद का नंबर 43 स्क्वायर। ओके तो इसी थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड हाउ बाय मल्टीप्लीकेशन, एंड फोर्थ नंबर इज रिलेटेड थर्ड नंबर हाउ नेक्स्ट नंबर, यू सी ना, यू सी ये पैटर्न आपको समझा, पैटर्न समझो आपको बस ख्याल आ गया। ओके नाउ क्वेश्चन दिया कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 नहीं करने का है, नहीं करने का है। ओके तो एक आगे का वीडियो में हमने देखा था कि ऑड नंबर्स को ऐड करने के करके हमें परफेक्ट स्क्वायर ही मिलता है, यानी 1 प्लस 3 4 हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 5 9 हो गया, अब देखो 1 प्लस 3 4, दो नंबर को ऐड किया 4 आया 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 तीन नंबर को ऐड किया 9 आया 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 चार नंबर को ऐड किया 16 आंसर आया 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो पांच नंबर है ना, पांच नंबर है मीन्स दैट इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर हुआ, तो आंसर क्या होगा 25। सेम थिंग देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, देखो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर का एडिशन, 10 ऑड नंबर्स का एडिशन इज 10 का स्क्वायर। हमने देखा था ना सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, कर n कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स बो ना, सम ऑफ n ऑड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, सी तो 10 नंबर है तो 10 का स्क्वायर हो गया, दैट इज नथिंग बट
हंड्रेड यार ये फॉर्मूला रिजल्ट हमने देखा था आगे। अब देखो यहाँ पे 3, 6, 9, 12 है ना, तो ये 12 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144 आ रहा है। प्लीज फॉरगिव माय 4, आई रॉट वेरी बैड फोर्स, तो वापस में लिखने का ट्राई करता हूँ। अच्छा 4 1 हाँ ये अच्छा 4 हो गया, चलो ये चलता है। ओके ये ख्याल है। चलो एक मैं आपको इसमें और एक पैटर्न दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा। यू सी 1 and 9 क्या बनता है 10, 3 and 7 क्या बनता है 10, तो 10 2 20 and 5 25। अब देखो सेम थिंग है, 1 and 19 20 बनता है, 3 and 17 20, 5 and 15 20, 7 and 13 20, 9 and 11 20, 5 बार देखो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बार 20 बना, 25 is 100। यहाँ पे भी देखो 1 and 23 24 हुआ, 3 and 21 24, 5 and 19 24, 7 and 17 24, 9 and 15 24, and 11 and 13 24, 6 बार 24 आया, 24 6 are 144। इसी नया पैटर्न देखा हमने, लेकिन यहाँ पे तो हमने जो सीखा था सम ऑफ n कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ 5 नंबर है, 5 स्क्वायर 25। ओके इसी के बेस पे नेक्स्ट हम दिया कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। नाउ 49 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो आप देखो वी कैन एड एज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 चेक, लेट्स चेक 7 नंबर है ना, देखो 7 नंबर, लेट्स चेक 1 देखो एंड 13 14 हो गया, 11 एंड 13 14, 9 एंड 5 14, 14 3 जा 42 एंड 7 49 आ गया राइट। सेम वे देखो एक्सप्रेस 129 एज अ सम ऑफ 11 नंबर्स, तो देखो 1 प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर प्लस 5 नंबर ये 6 ये 7 8 9 ये 5 है बेटा 9 ये 10 और 11 चेक करना है 121 देखो 1 and 21 22 हो गया, 3 and 19 22, 5 and 17 22, 7 and 15 22, 9 and 13 22 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 22 5 is 110 एंड 11 देखो 121 और आए थे आंसर हमारा। परफेक्ट स्क्वायर को हम ऐसे कर सकते ना। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी ऐसा मांगा कि 144 देखो 12 का स्क्वायर 144 वापस में 4 वापस लिखता हूँ, हाँ सो 12 स्क्वायर इज 144 एंड 13 स्क्वायर 169 और दे आस्क के ये दो नंबर के बीच में कितने नंबर आएंगे, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन दिस टू। तो हमने वो देखा था ना फॉर्मूला कि 2n नंबर आए, वो फॉर्मूला क्या था 2 टाइम्स n विल नंबर विल आए, n इज दिस नंबर, दिस इज द n राइट। तो यहाँ पे 12 टू जा कितना नंबर होगा 24 नंबर्स विल आए राइट, बिकॉज यू हैव 2 टाइम्स 12 टू n। सेम वे देखो 25 है ना एंड 26 तो कितना होगा 2 टाइम्स 25 दैट इज इक्वल टू 50 नंबर्स हो गए, 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर के बीच में 50 नंबर होने वाले, 50 नंबर्स। सेम वे देखो 99 दिया है ना तो 2 टाइम्स 99 तो कितना होगा 198, तो 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर के बीच में 198 नंबर्स होने वाले एंड 199th नंबर ये होने वाला है। चलो चेक करना है, लिखो जैसे 25 स्क्वायर जो है 25 स्क्वायर इज 625, 26 स्क्वायर इज 700 एंड नहीं लेट्स सी एक मिनट, सो 26 स्क्वायर इज 676। अब देखो 25 के बाद 50 ऐड होगा ना, ये 51 होगा 51 तो ये नंबर आ जाएगा ना, यानी बीच में 50 नंबर है, यहाँ पे बीच में 50 नंबर और होगा तो
ये नंबर, उसके बाद क्या नंबर आएगा, 50 टर्म्स है, यू सी ना आ गया. सेम वे 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर की बात करें, ओके सो 99 एंड 100 के बीच में देखो, 99 स्क्वायर इज 9801 एंड 100 स्क्वायर इज 10,000. तो देखो गैप कितना है यहाँ पे, 199 ऐड करेंगे इसमें तो ये आया ना, यानी इसके और इसके बीच में 198 नंबर्स है ना, 199 नंबर तो ये होगा, तो देखो 198 नंबर्स याद रखेगा, 29 गैप होगा एंड 2n प्लस 1 इज द नेक्स्ट नंबर, राइट ना. चलो ये आई थिंक सो एक्सरसाइज हमारा पूरा 6.1 हमने कंप्लीट यहाँ पे किया है. नाउ वी आर गोइंग टू डू फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.